2016 की WHO की रिपोर्ट के अनुसार हम दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर कानपुर में हैं, और इस समय कानपुर में हम आए हैं बकर मंडी के नाले के ट्रीटमेंट प्लांट पर। ये ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, एक तरह से रिफाइन करने की जगह है जहां मोटे कूड़े को रिफाइन करके आगे भेज दिया जाता है। मोटा कूड़ा जैसे पॉलीथीन हो गया, बोटल्स हो गई या टिन हो गया, जो मोटा कूड़ा होता है उसको जाली या फिर अलग अलग झाड़ू के ज़रिए छान कर आगे भेज दिया जाता है। मेरे साथ शिवम है, शिवम से मैं पूछूंगा, वो यहाँ सफाई कर्मी है और इस जो बकर मंडी का नाला है इसका ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वो चलता रहे, चालू रहे। तो शिवम, कैसे ये नाला काम करता है ये पहले बता दीजिए। सर, ये नाला, ये मतलब बकर मंडी नाला, यहाँ पे मतलब हर शहर का पानी आता है इसमें आधा, और ये पानी यहाँ से मतलब आगे से ब्लॉक कर दिया गया है और ये पानी यहाँ से जाता है राखी मंडी के लिए। तो यहाँ से मतलब मोटा मोटा कूड़ा निकाला जाता है, इसके आगे फिर आपका आगे राखी मंडी में फिल्टर बना है, वहाँ पे पानी साफ़ होके फिर वहाँ से साफ होके थोड़ा उसके और आगे भिंगवा प्लांट भी जाता है। और एक सवाल और ये कि कौन कौन से ऐसे नाले के ऊपर प्लांट बने हैं जिससे मोटा कूड़ा छाना जा सके? एक आपका बना है BIP रोड में, दूसरा मुख्तार घाट में और नवाबगंज में, और आपका बना है गंगा बैराज में। सभी चालू हैं? सभी चालू हैं सर। नहीं, अभी सभी तो चालू नहीं है, जैसे हमें पता चला काम थोड़ा बहुत काम है जो चल रहा है अभी, मतलब बाकी बनने पे हैं, पूरा कंप्लीट होने वाला है। एक मेरा सवाल है कि आपने नदी के लिए बताया कि क्या ज़रूरी है, 30 साल से आप क्या कहते हैं कानपुर में रह रहे हैं, 2016 की WHO की रिपोर्ट बताती है कि कानपुर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, और उस प्रदूषण में जो नदी के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो जल प्रदूषण हुआ है वो व्यापक स्तर पर है, उसका पानी सिर्फ जहरीला ही नहीं, जहर से 13 गुना ज़्यादा है, इसको होने के लिए क्या क्या जिम्मेदारियाँ किसके हिस्से में जाएंगी? दो बातें हैं इसके ऊपर, पहली चीज़ तो मैंने वो रिपोर्ट देखी नहीं, ये सच है, मतलब मैं WHO की रिपोर्ट आपको बताता हूँ, बात नहीं जा रहा हूँ। रिपोर्ट में अपने पैरामीटर्स होते हैं, आपका पानी गंदा है या आपका पानी साफ है, इस बात को आप कैसे कहेंगे? आपके पास BOD एक पैरामीटर है, COD एक पैरामीटर है, पानी देखकर भी समझ में आता है, फिर उसके बाद जो उसकी पारदर्शिता है पानी की, ये भी तो अपने आप में पैरामीटर ही है ना। तो जिन टेक्निकल पैरामीटर्स पे इस समय हम रिपोर्ट्स डिफाइन कर रहे हैं, उन टेक्निकल पैरामीटर्स को लोग अगर समझ ही नहीं पा रहे हैं और उनको पीने के लिए वही पानी मिलेगा, तो हाउ विल यू से कि वो रिपोर्ट हमारे लिए कहीं मैटर करती है? हमेशा जब कानपुर की बात आती है तो इंडस्ट्री की बात समानांतर चलती है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट को कानपुर के नाम से जोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री से जितना भी डंप होता है सारा का सारा गंगा में होता है, हमेशा इसके लिए विकल्प की बात होती रही लेकिन विकल्प तैयार नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कैसे वैकल्पिक इसके लिए काम किया जा सकता है कि वो इंडस्ट्री भी बनी रहे और गंगा तो उतनी ही बेहतर बनी रहे जितनी वो गौमुख से चलती है? देखिए, इंडस्ट्री के लिए एक नीड बेस्ड असेसमेंट एक चीज़ होती है, कोई भी आप नया काम करने जा रहे हैं, फर्ज के लिए घर बनाने जा रहे हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से बनाते हैं ना, उद्योग लगाते हैं तो ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं ना, वो नीड बेस्ड असेसमेंट्स वाली रिपोर्ट जो है वो मुझे देखने में नहीं आई है। तो इसके ऊपर व्यापक दृष्टि क्या है, नीति क्या है, और उद्योग की नीति में इस शहर की लोकल जनता का कंट्रीब्यूशन क्या है, लोकल के लेवल पर वो पॉलिसी में कहाँ पर इनकलकेट हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो और ज़्यादा थोड़े गहरे मामले हैं। इसलिए गहरे मामले क्योंकि काम करने वाले भी यहीं पर हैं, उद्योग लगाने वाले भी यहीं पर हैं, नियम बनाने वाले भी यहीं पर हैं। अब सवाल आता है कि अगर हम उसको पॉलिसी के लेवल पर देखना चाहते हैं तो पॉलिसी के लेवल पर जो जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर ये टैनरी का काम पहले नगर निगम के हाथ में होता था, नगर निगम के हाथ से वो राज्य सरकार के बाद केंद्र सरकार तक किसके हाथ में जाएगा, भगवान जाने। अभी हमारे सामने जो दिक्कत है वो शहर में शहर के लोगों के हिसाब से नीड बेस्ड असेसमेंट जिसको कहते हैं वो हमारी प्लानिंग में नदारद है। नीड बेस्ड असेसमेंट मतलब जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, जितना एकेडमियाँ हैं, वो कम से कम उन सारी चीज़ों को जाने समझे, उसको अपने आप में कहीं आत्मसात करे, और आत्मसात करने के बाद उसको पॉलिसी में लेकर आए
आखिरकार वो पढ़ भी तो लोगों की बेहतरी के लिए ही रहे ना, और वो पॉलिसी भी लोगों की बेहतरी के लिए बना रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगर वो सिंक्रोनी हमारे यहाँ पर सिस्टम में नहीं बन पा रही है तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग चैलेंज टू वरी। हमारे सामने ये ज़्यादा बड़ी बात है जिसके लिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत है और ज़्यादा गहरे में अध्ययन करने की ज़रूरत है। कानपुर गंगा के किनारे बसा एक शहरी शहर है, मतलब कि शहरी लोगों की ज़्यादा बातचीत यहाँ पर सामने आती है। गंगा पर डिपेंडेंसी के साथ साथ जो किसानों की बात है वो इग्नोरेंस में रही है हमेशा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताइए। किसानों की बात के लिए आप, मैं तो सुझाव दूंगा आप एक बार किसानों से जाके मिलिए। नहीं, वो तो बात है, असल की बात ये है कि जो हमारे यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि अर्बन प्लानिंग में अगर हम बेसिक पैरामीटर्स ऑफ प्लानिंग उनको अगर हम नहीं पकड़ के करेंगे काम, तो होगा क्या कि वो आपका जो टिकाऊ विकास है ना, जो आपका यूएन का एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी होता है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। आप कोई काम करें और वो 50 साल में ठप होकर दूसरी जगह पर पहुँचें तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको टिकाऊ तो नहीं कहेंगे ना। हमारे यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये है कि उसका जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो यहाँ की एकेडमियाँ, जो यहाँ के मतलब थिंक टैंक की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी में वो सस्टेनेबल जो पैरामीटर्स हैं उनको अभी ठीक से अडॉप्ट नहीं कर पाए। कानपुर में गंगा की स्थिति जानने के लिए हम लोग गंगा बैराज से चले हैं और गंगा बैराज से 1 किलोमीटर भी हम आगे नहीं आ पाए हैं, जहाँ पर हमने देखा अटल जो घाट बनाया गया है उसके पास ही ये नाला सीधे गंगा में मिल रहा है। नमामि गंगे के तहत काफ़ी योजनाओं को बताया गया, जिसमें कानपुर में कई सारी योजनाओं के लिए काम किया गया कि नालों में इस तरह का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है कि उसके बाद वो गंगा में नहीं मिलेंगे, जबकि स्थिति दूसरी है। मेरे साथ धीरज हैं। धीरज, आपने काफ़ी सारा नमामि गंगे पर रिपोर्ट करी है जिसमें कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी कि ये जो योजना थी इसमें बड़े फेलियर्स थे, तो ये फेलियर्स जब आपने रिपोर्ट करी और आज आप बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो क्या वो सही साबित हो रही है? लेकिन ये तो बात है, जैसा कि हम यहाँ बगल में देख सकते हैं कि एक बड़ा नाला जो है वो सीधा जाकर के नदी में मिल रहा है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री अपने रैलियों में कई बार कह चुके हैं, यहाँ कानपुर में भी आके उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ के जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं उनको बंद कर दिया गया है, और या फिर अगर उनके पानी को छोड़ा जा रहा है तो ट्रीटमेंट करने के बाद में वो नदी में छोड़ा जाएगा। लेकिन ये आप जैसे हमें सीधा यहाँ उदाहरण दिख रहा है कि भाई ये नाले का पानी जाके सीधा मिल रहा है, तो अब जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार इसको मापता रहता है कि पानी का जो प्रदूषण का स्तर है वो कितना है जी। तो जैसा कि अभी 2017 की रिपोर्ट थी, उसके बाद में 2018 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी जिसमें वो साफ स्पष्ट तौर पर बता रहे थे कि पिछले 4-5 सालों के दौरान में नदी का जो पॉल्यूशन स्तर है, जो प्रदूषण स्तर है, लगभग इतना ही बना हुआ है। कई जगहों पर तो स्थिति और ख़राब हो गई है, प्रदूषण बढ़ गया है कम होने के बजाय, और नहीं तो ज़्यादातर जगह पे एक बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उस 2008 में आई थी, जून 2018 में, तो वो भी देखने को लगता है कि स्थिति काफ़ी ख़राब है। और जैसा कि हम यहाँ कानपुर में देख ही रहे हैं कि सीधे नाले मिल रहे, तो इससे पता चलता है कि जाहिर सी बात है ये सब जाकर के किसी न किसी तरीके से गंगा को प्रदूषित ही करेंगे। सर, नमामि गंगे के तहत जो कानपुर में काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। नमामि गंगे में सीवरेज वर्क में पहले 2016 में 2 योजनाएं स्वीकृत हुई थी। एक योजना हुई थी सीवरेज डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट कानपुर, जिसमें हमें जो है 102 किलोमीटर नई सीवर लाइन डालना है डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट में। इसमें 34 वार्ड आते हैं नवाबगंज से लेकर के जाजमऊ तक। इनमें जहाँ पे सीवर नहीं है वो सीवर डालने का है। दूसरा, सीवर लाइन जो पड़ी हुई है उनको सफाई का काम है, उसमें जो है 232.82 किलोमीटर सीवर जो एग्जिस्टिंग है विद्यमान है उसकी सफाई का काम है। इसके बाद मैन होल जितने टूटे हुए उनके रिपेयर का काम है, उसमें 3 पंपिंग स्टेशन और 2 लिफ्ट पंपिंग स्टेशन बनने का काम है। ये 370.4 करोड़ का योजना स्वीकृत हुई जो चल रही है, ये 2 अगस्त 2020 में कंप्लीट होगी। अच्छा, तो अभी वर्तमान में अभी पूरी तरह से गंगा में नाले के मिलने का काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी नाले जो है गंगा में मिल रहे हैं। गंगा नदी में नाले की जहाँ तक कह रहे हैं 16 नाले ऐसे हैं जो सीधे गंगा नदी में मिलते हैं, उसमें से हमारे 8 नाले परमानेंट टैप हो गए। टैप यानी कि आप टैप होकर के एसटीपी में जा रहे हैं, और 5 नाले पार्शियली टैप हैं।
वो जो है पार्शियली टैप का मतलब है कि जैसे मान लीजिए गैप में फर्स्ट में टैप हुए थे तो उसके आगे आबादी बढ़ गई तो वो नाले टैप अभी नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो नाले जब डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट में हमारा सीवर पड़ जाएगा तो उस नाले में केवल जो है स्टार वाटर ही जाएगा, उस नालों में इन पांचों नालों में वो नहीं जाएगा जो है डोमेस्टिक। क्या आप ये दावे के साथ कह सकेंगे कि जो नदी में गंगा नदी में जो पानी गिर रहा है वो 100% ट्रीटेड है? देखिए किसी न किसी माध्यम से ट्रीट हो रहा है, वो उसका जो है अगर देखा जाए तो किसी न किसी माध्यम से ट्रीट हो रहा है, चाहे बायोरिमिडिएशन से हो रहा है या परमानेंट प्रोसेस। वो इतना ट्रीट हो रहा है कि वो पानी क्या कहते हैं ठीक है और उसका बीओडी बेहतर है कि वो बीओडी तो गंगा जी का इम्प्रूव हुआ है जब से नाले टैप हुए। बीओडी गंगा जी का इम्प्रूव हुआ, मेरा कहना यह है कि जो अभी ट्रीट होकर नाला जा रहा है तो वो बेहतर स्थिति में जा रहा है कि वो उतना ही गंदा है जो नाले के रूप में ही शुमार होगा? ऐसा है जो ट्रीटेड वाटर जब जाएगा तो वो जो है जो प्रिस्क्राइब पैरामीटर है लेस देन 30 का है, mg पर लीटर का बीओडी है, TSS है कि उसे जो है 100 या 50 के नीचे हो, तो इन सब का मानक का वो किया जा रहा है कि जो है हमारा बीओडी TSS ये सब चीज़ें कम होके जाएं। धीरे धीरे लगातार हम देख रहे हैं कि पानी को साफ करने के नाम पर क्या जाली लगा देना केवल काफ़ी एफिशिएंट नहीं है। और एक चीज़ यहाँ विचार मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो अपना जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो पानी के अंदर एक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या वो CDC अपनी रिपोर्ट में हर महीने राज्य की जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है और उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो CPCB का मानक है जिसमें कितने कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होने चाहिए उसके मुकाबले जो नंबर ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या वो बहुत 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 ज़्यादा है। यहाँ तक कि जैसे मैं आपको बता दूँ कि पीने के पानी के लिए 100 ml जो पानी में वो 50 MPN मतलब टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की जो संख्या होनी चाहिए वो 50 MPN मतलब मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 होने चाहिए, लेकिन जो CPCB की रिपोर्ट है वो आपको बताएगी कि कई सारे जगहों पर यहाँ तक कि कानपुर में भी ये हज़ारों लाखों और नदी जो और आगे बढ़ती है अन्य राज्यों से जब गुजरती है तो वहाँ करोड़ों की संख्या में ये पॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की जो 50 होनी चाहिए थी वो लाखों करोड़ों हज़ारों में हज़ारों लाखों करोड़ों तक में ये हम लोगों ने रवायत रिपोर्ट भी ये करी है कि वो करोड़ों की संख्या। और ये बात यह है कि देखिए चूँकि नदी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो लोग पहुँचते उस पानी को पीने लगते हैं नहाने लगते हैं तो इससे इन जो ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जब संख्या बढ़ जाती है तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारी जैसे कि हैजा वगैरह जो पानी आप सीधा इनहेल कर रहे हो इतने नंबर ऑफ बैक्टीरिया डायरिया जैसे डायरिया है ये सब जो पानी की वजह जो बीमारियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी गंभीर बीमारी होने के चांसेस होते हैं। Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Amesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.